जय श्री राधे। पूर्व जन्म में जो भी पाप किए हैं उनका सबसे बड़ा प्रायश्चित यह है कि आगे फिर वो पाप रिपीट ना हो और भजन मार्ग में लग जाएं। आपको भजन का पूरा अधिकार है, भजन का अधिकार जीव मात्र को है, पापी को है, तापी को है, तुराचारी को है, शराबी को है, सबको भजन का अधिकार है। आप भजन कर सकते हैं, भजन की निष्ठा, भजन की विधि, भजन एक क्लास है, भजन एक व्यवस्था है। अनुगत्यमय भजन करें, अनुगत्य का मतलब किसी को अपना लीडर बना लें, अपना गुरु बना लें, अपना शिक्षा गुरु बना लें, अपना श्रवण गुरु बना लें, अपना शिक्षा गुरु बना लें, किसी के अनुगत्य में चलें। जैसे आप कुछ सीखना, आप कार चलाना सीखना चाहते हैं तो किसी कार चलाने वाले को साथ में बैठा के कार चलाएंगे तो ठीक है। अगर बिना किसी कार चलाने वाले को आप कार लेके चलेंगे तो सीख तो जाएंगे, बहुत लोग सीख जाते हैं, लेकिन कहीं दुर्घटना का भी भय रहता है। तो इसलिए कोई ऐसा जो भजन मार्ग में पहले से लगा हुआ हो, कमी है लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, लोग बहुत हैं। जिसने आपको भजन मार्ग में लगाया उसी से ही पूछिए, मैं कैसे माला करूं, किसकी माला करूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे पूजा करूं, कैसे भोजन करूं, कैसे वस्त्र पहनूं, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन कौन संत हैं, कौन संत मुझ पर कृपा करेंगे, ये सब पूछें, मार्गदर्शन लें उससे और उस मार्ग पर धीरे धीरे चलते रहें। पिछली लाइफ को जो है बिल्कुल भूल जाएं, एकदम भूल जाएं, अपराध बोध हटा दें। वो भी आपका कोई प्रारब्ध था, आपने पाप करने थे, कोई बदला लेना था, ले लिया, हो गया, ख़त्म हो गया। अब उसका जो पाप मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी चिंतन मत करें, वो एक व्यवस्था है, वो मिलेगी ही मिलेगी, वो पैरलर है। पाप पुण्य का फल अलग मिलता है और भजन का फल बेहतर भजन अलग मिलता है। भजन करने से पाप पुण्य कट जाते हैं, कम हो जाते हैं, सुविधाजनक हो जाते हैं, लेकिन भजन का फल असली फल है बेहतर भजन। भजन को यदि पाप पुण्य काटने में ही लगा देंगे तो भजन का असली फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप तो ये मन में रखिए कि मेरे पाप पुण्यों का जो फल है वो मिलेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मेरे को उधर ध्यान नहीं देना है, मैंने तो भजन करना है और मुझे भजन का फल बेहतर भजन मिलना ही चाहिए। मैं भजन की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ चला जाऊँ, पाप का फल मिले मिले, ना मिले ना मिले, उधर से सोचना बंद कीजिए। और आपने कोई पाप नहीं किए, जितने जगाई मधाई ने किए थे, जितने कंस ने किए थे, जितने दूसरे दूसरे राक्षसों ने किए, जितने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने पाप किए, तो आप पाप के चक्कर में ना पड़ें। ठाकुर ने भी कहा है, अपिचेत सुदुराचारी भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। यदि कोई दुराचारी भी मेरा भजन करता है तो उसको साधु मानना चाहिए। हालांकि इस श्लोक की बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन आप इतना ही समझिए कि आप भजन में लग जाइए और किसी का अनुगत्य, किसी के अंडर में भजन कीजिए। जल्दी दीक्षा गुरु बनाने की जल्दी भी मत करिए, ये भी मैं आगाह कर दूं, क्योंकि आध्यात्म जगत में इस समय बड़ा व्यापार फैल रहा है, बड़े धंधेबाज लोग आ गए हैं, बड़ी जल्दी जल्दी दीक्षाएँ मिल रही हैं, पटा रहे हैं ग्राहकों को, दान ले रहे हैं, कोई गेस्ट हाउस बना रहा है, कोई आश्रम बना रहा है, कोई गाड़ियाँ खरीद रहा है, कोई विलासिता कर रहा है। सोच के समझ के धीरे 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 धीरे, जैसे 22 साल में ग्रेजुएशन होता है, ऐसे कम से कम 2-4-5-10 साल धीरे धीरे भजन में प्रवेश करिए, समझिए, व्यवस्था को देखिए। नाम जप करते रहिए, नाम जप के लिए दीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, नाम श्रवण करके आप नाम की दीक्षा लेके आगे बढ़ सकते हैं। ना भी लें तो नाम करते रहिए, अनुशासन सहित, निष्ठा सहित। रोज का एक पक्का नियम होना चाहिए कि हमने 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, या हमने 20 माला सुबह, 20 माला शाम को, या 5 माला सुबह, 5 माला शाम को करनी है। महीने-महीने 2-2 महीने में 5 से 6 करते जाइए, 7 करते जाइए, तो आपका कल्याण होगा और आप सही मार्ग पर चल दिए तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जय श्री राधे, जय नेता।